बचानी है तो दरख्त लगाना होंगे। इस सिलसिले में मैंने आज अपना किरदार अदा कर दिया और मैंने यहाँ पर एक दरख्त लगा दिया है। आज से इसकी लुक आफ्टर करना मेरी जिम्मेदारी है। आज अलखिदमत फाउंडेशन और PHA के तआवुन से स्मोक फ्री लाहौर का इनेकाद किया गया है। इस प्लांटेशन ड्राइव में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त लगाए जाएंगे, तो आपको भी इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना है। आपने कितने दरख्त लगाए हैं? आई थिंक अराउंड फाइव लगाए हैं। और ये आपकी पहली दफ़ा है जब आपने किसी प्लांटेशन ड्राइव के अंदर हिस्सा लिया, या इससे पहले भी आप करते रहे? इससे पहले प्लांटेशन नहीं, हमने मिनिएचर प्लांटेशन की थी वो स्कूल लेवल पे, लेकिन मेजरली ये पहला एक्सपीरियंस था। ठीक है, अगर ओवरऑल आपसे मैं इस ड्राइव के बारे में पूछूँ तो कैसा एक्सपीरियंस है और क्या आप चाहते हो कि इस तरह की ड्राइव मजीद होनी चाहिए? लाहौर जो है वो बहुत स्मोक अलर्ट पे होता है, तो उसके लिए हमें फ्रेश इन्वायरमेंट और पोल्यूशन को कम करने के लिए इस तरह की स्कीम्स की जरूरत है। मुझे ये बताओ कि आपकी नज़र में दरख्त लगाना कितना ज़रूरी है? दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, लाहौर इस टाइम पाकिस्तान में मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। हाँ। और लाहौर में स्मोक सबसे ज़्यादा है। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक लाहौर में 90 लाख दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। जब तक 90 लाख दरख्त नहीं होंगी, लाहौर स्मोक फ्री नहीं हो पाएगा, लाहौर से पोल्यूशन का खात्मा नहीं हो पाएगा। आज इस प्लांटेशन ड्राइव का आगाज़ एयरपोर्ट लाहौर के करीब से किया गया है, ये बताइए कि लाहौर के किन किन इलाकों में इस ड्राइव को एक्सटेंड किया जाएगा? देखिए, इसमें PHA ने 30 के करीब साइट्स आइडेंटिफाई की हैं। उसमें कुछ जो मेजर एरियाज हैं, जैसे एयरपोर्ट का एरिया था, इसके अलावा 4 के करीब मेजर एरिया जो है हमारे रिंग रोड पे हैं, जिन पे अराउंड जो है कि 4 लाख के करीब ट्री लगेगा, और बाकी जो 26 के करीब साइट्स जो हैं वो हमारी सिटी के अंदर हैं, जहाँ पे विद इन सिटी जो है कि वो हम एयर लंग्स जो है कि वो क्रिएट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जो है कि ये जो 1 मिलियन ट्री इनिशली हम इन्विजेज कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगर ये लग जाता है तो अच्छा इम्पैक्ट आएगा शहर की जो इन्वायरमेंट कंडीशन है उस पे। सर, क्योंकि ये लाहौर को स्मोक फ्री बनाने की एक मुहिम है, तो आपकी नज़र में, PHA की नज़र में कितने पौधे लगाए जाएंगे लाहौर को स्मोक फ्री बनाने के लिए? देखिए, इसमें जो स्मोक है वो 2 तरह की, एक तो हमारी जो स्मोक रिलेटेड है, जैसे फॉसिल फ्यूल है, जैसे गाड़ियाँ हैं आपकी, जैसे इंडस्ट्री है, एक तो वो है, और दूसरी जो है कि वो डेफिशिएंसी ऑफ प्लांट्स है। तो इंशाल्लाह हमारा यही मिशन भी है कि हमने ये जो विद इन 2-3 ईयर में जो नंबर ऑफ प्लांट्स है उनको जो पॉपुलेशन की रेशियो के हिसाब से वहाँ पे लेके जाना है इंशाल्लाह। जो पौधे लगाना चाहते हैं, किस तरह के पौधे उनको चूज़ करने चाहिए, ख़ास तौर पे लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है? जब भी हम मेजर प्लांटेशन करते हैं और कंपेन होती है, तो फोकस जो है कि वो नेटिव ट्रीज़ का होता है। नेटिव ट्रीज़ का ये होता है कि वो उनको वेदर की जो पैटर्न हमारा है उसके साथ उनको चलने में या एडजस्ट होने में कोई इशू नहीं आता। क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलता है, आपकी नज़र में उसकी क्या क्या वजूहत हैं, क्या रीजंस हैं उसकी? तो रीजंस ये है ना कि जितनी भी सोसाइटीज़ बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा हो रही है, लेकिन एरिया आप नहीं दे रहे दरख्त लगाने के लिए। हम सब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं, तो उन्होंने सही मुस्लिम 1552 में ये बात कही है कि आप लोग जो है प्लांटेशन जो है उस वो कंटिन्यूस चैरिटी है, तो आप प्लांट्स लगाएं और अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए और अपने सब रिश्तेदारों के लिए जो कि वफात पा गए हैं या जो ज़िंदा हैं, उन सब के लिए आप प्लांट्स ज़रूर लगाएं। ये जो प्लांटेशन की ड्राइव है, क्या इसको लाहौर तक महदूद रखा जाएगा या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी इसका आगाज़ किया जाएगा? नहीं जी, ये पूरे पाकिस्तान में होगा।
और देखते रहिए एक्सप्रेसो।